नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि संजय सिंह की कस्टडी रिमांड बढ़ चुकी है, 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है कस्टडी। ईडी ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी और ऐसे में संजय सिंह की कस्टडी एक बार फिर से 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तो बता दें कि संजय सिंह की कस्टडी 13 अक्टूबर तक बढ़ चुकी है। ईडी के द्वारा एक बार फिर से राज्य रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था संजय सिंह को। सांसद है आपके संजय सिंह, जिनको एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया था और कस्टडी रिमांड उनकी बढ़ा दी गई है। 13 अक्टूबर तक कस्टडी में अब रहेंगे संजय सिंह, क्योंकि ईडी ने यहां पे कोर्ट से कहा था कि हमारी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, हमारी छापेमारी लगातार जारी है, कई ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है और ऐसे में हमें 5 दिन की और मोहलत दी जाए, ये रिमांड की तारीख 5 दिनों तक और बढ़ा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों के लिए और कस्टडी रिमांड बढ़ा दी। इससे पहले भी ईडी द्वारा 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट द्वारा 5 दिन की रिमांड दी गई थी। अब देखिए एक बार फिर से 13 अक्टूबर तक कस्टडी बढ़ा दी गई है। तो आप सांसद संजय सिंह को अब 13 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा, पूछताछ लगातार होगी उनसे। अजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी है? पेशी हुई 13 अक्टूबर तक, अब कस्टडी रिमांड बढ़ा दी गई है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, तो बता दूंगा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से जो आप सांसद संजय सिंह हैं, उनकी जो ईडी जो की जो रिमांड है वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले 5 दिन की रिमांड मिली थी संजय सिंह की, और उसके बाद आज संजय सिंह को राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद लगातार जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और ईडी ने इस दौरान 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसमें 3 दिन की रिमांड की जो है मंजूरी दी है। अब 13 तारीख तक के लिए जो ईडी कस्टडी जो है संजय सिंह की वो मिली है। फिलहाल इससे पहले लंबा सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी रहा, जिसमें जो कोर्ट में जज ने ईडी से भी काफी सवाल पूछे, जिसमें मसलन की आप दोबारा जो कस्टडी की मांग है वो क्यों करें, जिसमें ईडी ने काफी अपने जवाब रखे, जिसमें सबसे बड़ा जवाब यही था कि जो सांसद संजय सिंह है वो ईडी के सवालों में सही जवाब नहीं दे रहे और ईडी का जांच में सहयोग नहीं दे रहे। इसके अलावा जो ईडी ने इस दौरान जो सर्वेश मिश्रा है उसको लेकर भी जिक्र किया, उनको भी लेकर यही आरोप लगाया कि सर्वेश मिश्रा भी ईडी के जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जिनको दोबारा से समन जारी किया गया और कल एक बार फिर से माफी चाहूंगा ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा है। वहीं इसके अलावा और भी मसलन बिजनेसमैन के दर्ज करने की भी बात कही है, लेकिन ईडी ने कहा है कि उसको हम कोर्ट में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी एक हाल ही में एक रेड की बात ईडी ने दोहराई है। हालांकि इसके जवाब में जो संजय सिंह के वकील ने भी काफी चीजें जो आरोप और प्रत्यारोप के दौरान काफी चीजें बात कही, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठता है उन्होंने यही उठाया कि जो संजय सिंह से जो सवाल किए जा रहे हैं वो इस मसले से अलग, यानी कि शराब घोटाले को लेकर के सवाल जवाब नहीं किया जा रहा, बल्कि कहीं ना कहीं वो सवाल जवाब इसके इतर, मसलन माँ को आपने फोन क्यों किया, आपकी पत्नी ने आपको पैसे ट्रांसफर क्यों किया, आपकी माँ ने आपको पैसे ट्रांसफर क्यों किए, इस तरह के सवाल जवाब जो ईडी है वो कर रही है। ये जो बात है ये संजय सिंह के वकील ने कहा है। जी सुटी जी, बिल्कुल अजीत। और यहाँ पे देखिए वार पलटवार लगातार चल रहा था, दलीलें भी यहाँ पे संजय सिंह के वकीलों के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन बात की जाए तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सर्वेश मिश्रा को बुधवार के लिए एक बार फिर से समन जारी किया गया है। क्या उनके साथ 2 और करीबियों को समन जारी किया गया है पहले की तरह, या सिर्फ सर्वेश मिश्रा को? अजीत, बिल्कुल सुनिए, अभी जो हाल ही में जो जानकारी आई है वो यही आई कि अभी दोबारा से सर्वेश मिश्रा को ही जो है द्वारा से समन भेजा गया ईडी दफ्तर में पेश होने को। तो देखना होगा, क्योंकि हालांकि कल के लिए वो समन जारी किया है, अब देखना होगा कि कल की तस्वीर क्या होती है। इसके अलावा जो विवेक त्यागी है और ऐसे और कई नाम का जिक्र किया गया उन पूरे दलीलों के दौरान, जिसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि जो आप सांसद संजय सिंह के जो वकील है उन्होंने कहा कि जो कन्फ्रंट है, जो विवेक त्यागी का कन्फ्रंट नहीं लिया गया, संजय सिंह का कन्फ्रंट नहीं लिया गया। इसके अलावा जो सवाल जवाब है वो पर्सनल सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ना कि मामले को लेकर के कोई सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस तरह के पूरी की पूरी दलीलें रखी गई, जिसमें ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी और आखिरकार जो संजय सिंह के लिए एक बार फिर से आज आफत भरी खबर आई और इस आफत में उन्हें 3 दिन के लिए मुश्किलें जो और है जो बढ़ा। जानकारी ये आ रही है अजीत की पिछली बार की तरह इस बार भी ज्यादा दिनों को रिमांड यहाँ पे मांगी गई थी ईडी के द्वारा, लेकिन सिर्फ 3 दिनों की रिमांड दी गई है। 5 दिनों की उन्होंने दिन मांगा था, 5 दिनों का।
जी बिल्कुल सुनिए, पिछली बार जब पेश किया गया था कोर्ट में तो उस समय ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसके एवज में जो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी थी। इस बार ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी, जिसके बदले में लगातार जो दलीलें दी गई उसके बाद ईडी ने 3 दिन की रिमांड की मंजूरी दी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अब अगले अब 13 तारीख को दोबारा से, हालांकि इससे पहले जो सर्वेश मिश्रा से आमने सामने की बात थी, जो बात कही जा रही है कोर्ट के मैं दलील के दौरान ईडी के माफ जाऊंगा संजय सिंह के वकील ने यह भी बात कही कि लगातार जो कोर्ट ईडी है वो कह रही थी कि सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने कराया जाएगा, लेकिन ईडी ने आमने सामने नहीं कराया। तो इस तरह की तमाम दलीलें दी गई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सर्वेश साहब को दोबारा से समन जारी किया गया है, अब इस लगातार पूछताछ में अब सामने और क्या। तो जब संजय सिंह के वकील की तरफ से ये कहा गया कि कोई कन्फेंट यहाँ पे नहीं किया गया, जिस तरीके से ईडी ने कहा था कि हम आमने सामने के बातचीत करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की बातचीत यहाँ पे नहीं हुई है, इसके बाद से ईडी के वकील द्वारा क्या दलील दी गई, उनके तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले को लेकर अजीत? बिल्कुल बताते हुए जैसा कि मैंने बोला कि जो संजय सिंह के वकील ने सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही छेड़ा कि संजय सिंह का जो कंसल्ट है वो नहीं किया गया, इसके अलावा जो विजय चारी का जो नाम आया कि उनका भी कंसल्ट नहीं किया गया। हालांकि ईडी लगातार जो सबसे बड़ी बात वो यही कह रहे कि चाहे वो सर्वेश मिश्रा हो या फिर सांसद संजय सिंह हो, वो ईडी के सवाल जवाब का सही से जांच सहयोग नहीं कर रहे। ईडी जो लगातार जांच कर रही है उसमें संजय सिंह द्वारा या उनके करीबियों द्वारा कोई जो सहयोग है वो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो ईडी ने जो दलील पेश की है वो ये भी पेश की है कि इस पूरे प्रकरण में जो लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसमें घूस लेने का आरोप ईडी के वकील ने। ठीक है, आगे सवाल अजीत मेरा ये है कि यहाँ पे संजय सिंह द्वारा कहा गया है कि रात को 10:30 बजे ईडी मुझे बाहर ले जाती है, और ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि आप बिना पूछे बाहर नहीं ले जा सकते, एनकाउंटर की भी आशंका जाहिर की है, इसको लेकर क्या जानकारी जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज यही है क्योंकि ईडी लगातार क्योंकि जिस तरीके से सवाल जवाब किया इससे पहले जब पेस्टिसाइड के नाम पर जब संजय सिंह को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जेल में भेजा जा रहा था ईडी दफ्तर से हट करके, तो उस समय भी संजय सिंह ने इसका विरोध किया था। उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे ईडी दफ्तर से जब कस्टडी दी है, कोर्ट ने भी कहा था कि जब ईडी की कस्टडी दी गई है तो आप जेल में कैसे भेज सकते हैं। इसी तरह से इस बार भी संजय सिंह ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि रात को 10 बजे वो बाहर ले जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 13 अक्टूबर को अब अगली पेशी होनी है, अब देखना होगा 13 अक्टूबर का क्या कुछ निकल के सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर तक रिमांड बढ़ा दी गई है, और ऐसे में संजय सिंह और 3 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन का ये पूरा मामला है, निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। 11 अगस्त को हुए थे निलंबित आप सांसद राघव चड्ढा, और ऐसे में सेवा विधेयक पर फर्जी हस्ताक्षर का मामला था ये। उस समय आपको भी याद होगा किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए थे कि बिना हमारे सांसद के मंजूरी के बगैर जो यहाँ पे है सिग्नेचर किए गए, उसको लेकर आप सांसद की दलीलें भी हमने सुनी थी उस समय, और ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 11 अगस्त को निलंबन का ये पूरा मामला था जो कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए। अजीत, ये पूरा निलंबन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, क्या कुछ याचिका में लिखा गया है, क्या कुछ दायर किया गया है? बिल्कुल सुनिए, बताना चाहूंगा सबसे बड़ा मुद्दा जब दिल्ली खेल जो जो प्रस्ताव लाया जा रहा संसद में, तो उसको उस दौरान जब उसमें समर्थन की बात आई थी तो उस समय राघव चड्ढा ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि भाई इसमें फर्जी भी लगाया गया, जिसको लेकर के जो समर्थन की बात पर एक मुद्दा उठाया था राघव चड्ढा ने, जो बाद में जब उसकी जांच की गई तो उसमें यह पाया गया कि वो जो राघव चड्ढा जो दिखा रहे हैं उसमें काफी हद तक फर्जीवाड़ा है, और वो बिना पूछे बिना इजाजत लिए ही उन्होंने उसका नाम लगाया, जिसको लेकर के बीते 11 अगस्त को आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का निलंबन कर दिया गया था। इसको लेकर के राघव चड्ढा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि इससे पहले जब सांसद का जब निलंबन हुआ तो उसके बाद जो सरकारी आवास है उसको खाली करने को भी बात सामने आई थी, जिसमें राघव चड्ढा को सख्त हिदायत दी गई थी कि जब आप सांसद नहीं है तो आपको जो सरकारी आवास है वो खाली करना होगा, जिसके बाद अब राघव चड्ढा ने एक बड़ा कदम उठाया सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर के याचिका दायर किया, और उन्होंने कहा है कि हम इसको चुनौती देंगे। तो क्या कुछ चुनौती में उन्होंने लिखा है, किस तरीके की दलीलें उन्होंने याचिका में दायर की गई है? अजीत बिल्कुल सुनी, चुनौती में सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि जो क्या नाम है, जिस तरीके से लगातार जो निलंबन की प्रक्रिया है, और जो लगातार उन्होंने कहा कि जब वो किसी भी मुद्दे पर जब आवाज उठाते तो वो अक्सर ऐसे ही जो
स्थगित किया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। इससे पहले राहुल गांधी का भी निलंबन किया गया था, जिसको लेकर के बहुत बड़ा उस समय भी बवाल उठा था। उसके बाद अब आप सांसद राज्यसभा जो राजस्व है उसको निलंबन के बाद ये थोड़ा सा बवाल उठा था। राघव चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र भी किया कि हाँ आखिरी तारीख कौन सी है ये सरकारी आवास खाली करने की अजीत? बिल्कुल, इसमें एक समय भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि आपको जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए और उन्होंने स्पेशली कोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई है कि आपको जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए। अभी इसमें जो आखिरी तारीख है, हालांकि इसको आखिरी तारीख को लेकर अभी कोई सामने निर्धारित डेट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने स्पेशली हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी इसको खाली करना है। फिलहाल आज जो सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आया है वो यही आया है कि अब राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और वो अपने निलंबन को लेकर के दरवाजा। बिल्कुल, अब देखना होगा अजीत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पे फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 11 अगस्त को निलंबित हुए थे राघव चड्ढा और उनका सरकारी आवास खाली कराने के लिए लगातार कहा जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर में दुर्गा पूजा पंचाल को लेकर डुमरियागंज के सीओ सुजीत राय ने ग्रामीण को धमकाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो सीओ ग्रामीण से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो वही पूरा मामला पत्रा थाना क्षेत्र के तिगौड़वा चौराहे का बताया जा रहा है। दिमाग ठंडा हो जाएगा कल, जैसे होता है वैसे तो बाइक भी काट दीजिए, घर खुदवा दूंगे धक्के। जितना आदेश हो गया उतने आदेश होगा, उससे जो नौटंकी करेगा खुद के काट दूंगा मैं, हवा में न रहा करो। इनको 10-5 लाख से पाबंद करो, बुद्धि 222 कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जितना बच्चा 5 लाख रुपए तुम्हारी ऑनलाइन करिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा कल, जैसे होता है वैसे 222 भी काट दीजिए, घर खुदवा दूंगा धक्के। जितना आदेश हो गया उतने आदेश होगा, उससे जो नौटंकी करेगा खुद के काट दूंगा मैं, हवा में न रहा करो। इनको 10-5 लाख से पाबंद करो, बुद्धि 222 कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो दुर्गा पूजा पंचाल को लेकर यहाँ पे देखिए सीओ धमकाते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीणों को। सोशल मीडिया पे वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर का ये वीडियो है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डुमरियागंज के सीओ सुजीत राय है जो धमकाते हुए यहाँ पे ग्रामीणों को दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इनको अंतर्बंद कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो तमाम बातें उनकी तरफ से की जा रही है, धमकाया जा रहा है। यहाँ पे हमने आपको ऑडियो सुनाया किस तरीके से यहाँ पे धमकाया जा रहा है सीओ की तरफ से, और ये पूरा मामला जो है वो दुर्गा पंचाल को लेकर है। चूंकि नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में दुर्गा पंचाल को लेकर कई जगह आयोजन होते हैं, भव्य तरीके से आयोजन कराया जाता है, जिसके लिए यहां पे जमीन भी निर्धारित की जाती है। अब इस पूरे मसले को लेकर सीओ धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये पूरा मसला है क्या जिसपे सीओ इतनी तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बता दूं आपको कि ये दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर ग्रामीणों को धमकाते सीओ का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये कल का वीडियो बताया जा रहा है। ये जो है दुर्गा मूर्ति अपनी वहाँ बैठाते थे लोग पहले से ही, तो जिसको लेकर ये बवाल हुआ और वो वहाँ पहुँच कर उन ग्रामीणों को धमकाते नजर आए, जो कि विवादित स्थल पर उनका कहना था कि मूर्ति स्थापना न करने को लेकर है ये। लेकिन वहीं डुमरियागंज के सीओ सुजीत राय ने इनको धमकाया, बता रहे हैं कि वायरल वीडियो में खोद कर गाड़ देने व मुकदमे दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह से उनका बेतुका बयान रहा वहाँ पे। जब वो हमेशा से दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी को बैठाते थे, तो आखिर उस जगह को लेकर विवाद क्या उत्पन्न हो गया राकेश? प्रशासन से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, उन्होंने इजाजत भी लेके पहले से ही बैठा रहे थे मूर्तियां वहाँ पे। लेकिन अब अचानक ये मामला अभी समझ में नहीं आया और वो कहते नजर आए कि जो है इस तरह से मूर्तियां यहाँ। तो सीओ जी को क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे? जी ये उनका कहना कि मूर्ति यहाँ नहीं बैठेगी, जो कि ये पहले से अगर बैठती है तो वही मूर्ति बैठेगी, लेकिन नए मूर्ति का वहाँ स्थापना नहीं होगा। बताइए, वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद से कोई प्रशासन द्वारा यहाँ पे संज्ञान लिया गया है? इनके ऊपर जो अधिकारी बैठे है उन्होंने कोई संज्ञान लिया है क्या? फिलहाल इस मामले की जानकारी मैं एसपी से लेनी चाहिए, तो उनका फोन बंद बताया गया, लेकिन फिर सीओ को लगाया तो उनका कहना है कि जो है ये मामला निराधार है।
निराधार है, लेकिन वीडियो में तो साफ तौर पे नजर आ रहे किस तरीके से सीओ यहाँ पे बोलते हुए धमकाते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या इस वीडियो के माध्यम से आपने सवाल पूछने की कोशिश नहीं की, उनसे बात किया कि वीडियो में तो साफ दिख रहा है आप धमकाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह से फंसाया जा रहा है उसमें हमारी वो नहीं है वीडियो, लेकिन वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है सीओ खुद खड़े हैं इस तरह से बोल रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा क्या कहना है, ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों का कहना कि मैं यहाँ जो है मूर्ति पहले से बैठा रहा हूँ, मूर्ति हम लोग यहीं पे बैठाएंगे। ठीक है राकेश, अब देखना होगा सीओ के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए किस तरीके से सीओ यहाँ पे धमकाते हुए नजर आ रही है ग्रामीणों को। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में बैंक लूट कांड पर मौके का मुआयना करने मेरठ जोन डीजी राजीव सभरवाल बैंक पहुंचे। बता दें कि बुलंदशहर के इंडियन ओवरसीज बैंक में दिन दहाड़े 6 लाख की लूट हुई। हथियारबंद नकाबपोश 3 बदमाशों ने स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो डीजी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण। बता दें कि ये बैंक थी जिसमें दिन दहाड़े 6 लाख की लूट हुई थी, गन पॉइंट पे रख के लूट की गई थी। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे जिन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक को बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, डीजी ने पहुंच के घटना स्थल का मुआयना किया और जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। यहाँ पे बुलंदशहर में ये बैंक स्थित है, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहां से 6 लाख की लूट की गई है और दिन दहाड़े बैंक की लूट से इलाके में हड़कंप मच गया है और सीसीटीवी फुटेज निकालकर खंगालने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों को ढूंढने का प्रयास यहां पे लगातार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली पुलिस आईजी आरएस की रैंकिंग में नंबर वन आई है। बता दें कि आईजीआरएस में शिकायत दर्ज की गई है और निस्तारण में पूरे जनपद में शानदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने अपने मातहतों की पीठ थपथपाते हुए प्रोत्साहित किया। इस कार्य में महती भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मचारियों को सोमवार को एसपी ने पुरस्कृत करके उनका उत्साह बढ़ाया। तो पुलिस रैंकिंग में नंबर वन आई है, आईजीआरएस की रैंकिंग में नंबर वन आई है और ऐसे में उत्साह बढ़ाया गया है। यहाँ पे बीकानेर में नगर निगम आयुक्त की ओर से कांग्रेसी समर्थक पार्षद के साथ बदतमीजी करने के विरोध में कांग्रेस निर्दलीय वो मनोनीत पार्षदों की ओर से आयुक्त केसरलाल मीणा के कक्ष में धरना देकर विरोध जताया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारी पार्षदों का आरोप है कि आयुक्त कमीशन बिना काम नहीं करते, तो वहीं पार्षद रमजान कच्छ छुआवा ने अपने वार्ड में विकास कार्य का टेंडर लगवाने को लेकर मिलने गए तो उनसे तू तड़ाके से बात की गई और कक्ष से निकलने जाने के लिए कहा और उन्होंने विरोध स्वरूप आयुक्त के कक्ष में धरना देकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो निगम आयुक्त पर लगे आरोप बदतमीजी करने के आरोप लगे हैं, पार्षद के साथ बदतमीजी की गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध जताया, धरना प्रदर्शन यहाँ पे कक्ष के अंदर ही हो रहा है। तू तड़ाक से बात की गई जिसको लेकर यहाँ पे जो लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। बीकानेर का ये पूरा मामला है। तो कांग्रेस ने धरना देकर विरोध जताया है, पार्षद के साथ बदतमीजी का आरोप है, निगम आयुक्त पर यह आरोप लगे हैं कि पार्षद के साथ बदतमीजी की गई है, तू तड़ाक करके बात किया गया है, यहाँ पे कक्ष के बाहर निकलने जाने के लिए कहा गया है, लेकिन गुस्साए लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया।
सहारनपुर में रोडवेज बस की चपेट में आने से 25 भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं बस में बैठे लोग भी घायल हो गए हैं। वहीं बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना ननौता थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे की है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।